everyone, how are you all doing? Welcome to your English class. Today we are starting with this chapter, Use of Has and Have, from your book, Literary Journeys and English Reader Primer Book by Brainroot Series. Okay, so now we will learn about Has and Have. तो आपको ध्यान रखना है कि has हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं. Has हम यूज़ करते हैं सिंगुलर चीज़ के लिए. Right? Has is used for singular. जब हम एक चीज़ के बारे में बात करेंगे तो हम has यूज़ करेंगे. और have कब यूज़ करेंगे? Have हम तब यूज़ करेंगे जब हम एक plural चीज़ के बारे में बात करेंगे. यहाँ तक समझ आता है? जब हम एक plural चीज़ के बारे में बात करेंगे तो हम have यूज़ करेंगे. एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, जब हम I या you sentence में यूज़ करते हैं ना, I या फिर you, तब भी हम have यूज़ करते हैं. ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे, I have a pup, she has a kitten, देखो singular है ना. He has an apple, you have a car, right? So आप देख सकते हैं यहाँ पे you है, तो मैंने आपको बताया था you चाहे singular ही होता है पर आपको उसके साथ have ही use करना है, I और you के साथ. They have books, Riya has a copy. Rohan has a cycle, we have kites. चलिए अब हमारे पास ये एक्सरसाइज है, हमें इसको फिल करना है. आई डैश नोज, मैंने आपको बताया था आई और यू के साथ हमेशा हैव यूज होता है. सो आई हैव अ नोज. ही हैज टू ईयर्स या ही हैव टू ईयर्स? ही हैज, क्योंकि हैज सिंगुलर है राइट, और ही भी सिंगुलर है और हैज हम सिंगुलर चीज के साथ यूज करते हैं. यू हैव टू हैंड्स. We have five fingers and five on one hand. ठीक है, यहाँ तक समझ आता है? आगे देखेंगे. She has two eyes. She एक singular है तो हम singular के साथ हमेशा has use करते हैं. They have long hair. An elephant has a trunk. A rhino has a horn on his nose. Birds have wings. So यहाँ पे क्या आएगा? Have आएगा, क्योंकि birds plural है. Is that clear everyone? Has और have कहाँ use होता है आपको अब समझ आ गया होगा.